एक बार इस क्रीम को लगा लेना चेहरा टेन शर्ट गोरा और लाइटन होगा हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी सीट सिंधी गाइस मैंने ऐसी अमेजिंग क्रीम बनाई थी अपने लिए और मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाई थी जब मैंने उसको यूज किया तो मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले तो so, इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर यूज करूँ और आप सभी के साथ में शेयर भी करूँ तो so, इस क्रीम से इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलता है कि आपके चेहरे से सारा कालापन दूर हो जाता है आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सौम्य और क्लीन रहती है और टेन शेड तक आपकी स्किन लाइटन हो जाएगी अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर टाइम टू

अब देखिए गर्मियों के टाइम पर हम लोगों को स्वेटनेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा अब सौंफ डालने के बाद दो से तीन मैंने हरी इलायची डाली है क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों की तासीर बहुत ठंडी होती है और स्किन को ये बहुत ही क्लीन कर रखते हैं जिससे कि पिंपल्स और एक्ने की, की प्रॉब्लम भी नहीं होगी इन तीनों चीजों को हम पानी के साथ में भिगाएंगे अच्छे से और इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वॉश करके इसको निकाल देंगे और इसको अगेन हम भिगा करके पूरे एक घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक सोप चाहिए तो यहाँ पर आप डव सोप ले लेना और इसको आपने अच्छी तरह से ग्रेट करना है ग्रेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हो गई हैं अब इसी तरीके से दोस्तों हमें एक आलू लेना है पोटैटो लेना है और इसको अच्छी तरह से हमें कद्दूकश कर लेना है ताकि हम इसका जूस निकाल पाएंगे पोटैटो रस विटामिन सी का ऐसा एजेंट है जो कि आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स पैचेस को लाइटन अप करने में हेल्प करता है इसको अच्छी तरह से जूस निकाल लिया है हमने आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दो से तीन चम्मच हमारे पास आलू का रस तैयार है अब गाइज यहाँ पर हमें ये आप देख सकते हैं फैनल सीड और चावल को भिगाए हुए एक घंटा हो गया था तो मैंने इसको ग्राइंडर जार के अंदर डाल दिया इसी के साथ थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे बहुत अच्छे से स्मूथली ग्राइंड करने के बाद में ये कुछ इस तरह से बिल्कुल क्रीमी में आ जाएगी गाइज आपको इसे भिगो करके पूरा एक घंटा रखना होगा तभी आपका जो क्रीमी टेक्चर है कुछ इस तरह से बनेगा और छानने के बाद में ये बिल्कुल स्मूथ सी क्रीम डालेंगे हम एक पैन के अंदर या एक कढ़ाई के अंदर तो ये दो से तीन कटोरी मैंने डाल दिया है और हम हल्की आंच पर गरम होने के लिए छोड़ देंगे इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे पोटैटो रस तो मिक्स करेंगे अच्छे से जब ये थोड़ा सा थिक रह जाएगा तब हम इसमें ग्रेटेड सॉप डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे प्रॉपर स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में लाना है इसलिए मैं बीटर को यूज कर रही हूँ तो हमें बीटर हैंड बीटर को यूज कर रही हूँ अच्छे से हम बीटर की हेल्प से इसको मिक्स करते जाएंगे एंड आप देख सकते हैं बीट करते करते ये बहुत ही अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में बन गई है मैं इसको एक बॉल के अंदर निकाल करके भी अच्छे से बीट कर लूंगी अब इसके अंदर दो चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे और फिर से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दोस्तों अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना स्मूथ इसका टेक्सचर हो गया है बिल्कुल एक परफेक्ट क्रीम की तरह दिख रहा है ये स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में बना है अब मैं इसको स्टोर कर रही हूँ एक प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर और ये कुछ इस तरह से मैंने इसको स्टोर कर दिया है यहाँ पर ये क्रीम थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा बनी है इसलिए मैं इसको दो कंटेनर के अंदर डाल करके स्टोर करके फ्रिज में रख रखूँगी ताकि मैं इसको रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर पाऊँ तो इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा इस क्रीम को फेस पर लगा करके अच्छे से वॉश करना है स्किन को झाग भी बहुत अच्छे बनेंगे वॉश करने के बाद ताजे पानी से चेहरे को वॉश कर लेना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ट्राई ज़रूर करना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए